नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं हूँ आपके साथ स्माइल चौधरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉग लविंग आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग उसको सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए नहीं, अपने शौक के लिए, और कई लोग तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए भी रखते हैं, क्योंकि डॉग्स को सबसे ज़्यादा लॉयल माना जाता है और एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही एक डॉग लवर है हमारे साथ, सिकंदर सिंह, जो कि एक डॉग लवर होने के साथ साथ लोगों को भी इंस्पायर करते हैं डॉग्स के लिए कि उनको कैसे रखा जाए, उनकी कैसे देखभाल की जाए, और साथ ही एक क्लब भी चलाते हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे कि इन सब पर उनका क्या कहना है। हेलो सर, वेलकम टू अर्थ प्रकाश। सर, सबसे पहले एक चीज़ शुरू करने से पहले हम सोचते हैं कि शौक होता है हर बंदे का, कि एक स्टार्टिंग एज में आता है, किसी को बाद में आता है। तो आपको ये शौक कब से आया कि मुझे डॉग्स एज अ पेट या एज अ फैमिली मेंबर रखने हैं? ये भाई बर्थ था, मेरे फादर रखते थे डॉग, मेरे मदर रखते थे, मेरे ग्रैंडफादर रखते थे, तो ये जेनेटिकली ये शौक मेरे में आ गया। और उनका जो शौक था वो था सिर्फ एज ए पेट, ये मैंने इसको थोड़ा सा इसको मेरा और बढ़ गया मेरी जनरेशन में, मेरे को प्रोफेशनली मैंने इसको टेक तो इसको मैंने लिया एंड आई क्वाइट सक्सेसफुल इन इट। सर, जैसा कि डॉग्स के अंदर देखा गया कुछ डॉग्स काफ़ी ज़्यादा लविंग होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो ख़तरनाक भी नहीं होते किसी के लिए, जिसलिए वो लोग उन्हें एज अ मतलब नॉर्मल की ठीक है, हमें शौक है तो हम रख लेते हैं, सिक्योरिटी के लिए नहीं। कुछ लोग उन्हें एज अ वो कहते हैं कि सेफ्टी, कि हमारे घर की सेफ्टी रखेंगे डॉग्स, वॉच डॉग कह सकते हैं आप। तो जो आपने डॉग्स रखे हैं वो एक मतलब कह सकते हैं सबसे डेंजरस डॉग्स में से एक है? हाँ जी, जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर आप थोड़े से भी उनको गुस्सा दिला दिया आपने तो वो शायद कभी कभी जो उनका ऑनर होता है उनके लिए भी एक डेंजरस चीज़ बन जाता है। तो आप उसके लिए उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसकी देखभाल रखते हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, बिकॉज आपका आई थिंक क्वेश्चन गलत है, इसमें आपका कसूर नहीं है, बिकॉज आपने जो सुना है वो आप बोल रहे हो। कोई भी ब्रीड होता है फॉर नो रीज़न एग्रेसिव नहीं होती है, उसमें उसका ओनर का पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में किसी के पास गन है तो गन अपने आप तो चलती नहीं, और किसी ने अगर उठा के किसी को गलती से मार दिया तो उसमें गन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो बने उस पर्पस के लिए। उसी हिसाब से जब हम पेट्स पालते हैं, और हर देयर आर लॉट ऑफ ब्रीड्स इन दिस वर्ल्ड, और किसी को क्या ब्रीड पसंद है, किसी को क्या ब्रीड पसंद है, तो अगर अब हम अग्रेशन पे आ जाते हैं कि रॉटवाइलर इज़ अ डेंजरस ब्रीड, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट, अभी आपने देखा भी था शायद, आई गेस आपने आपको किसी एंगल से लगा, ये डिपेंड करता है कि आप उसको सोशलाइज कैसे करते हो, आप उसको पालते कैसे हो, आप उसको बड़ा कैसे करते हो, आप उसको लोगों से मिलाते हो, या आपने घर में सिर्फ बंद करके रखा हुआ है। जब वो घर में अगर आप अपनी फैमिली इन्वॉल्व है और बाहर के लोगों से नहीं मिला रहे, तो टेक्निकली वो बचपन से वो उसको यही सीख रहा है कि भाई मुझे इसलिए यहाँ पाला हुआ है ताकि कोई बाहर से कोई बंदा ना आए और मैं उस पर अटैक करूँ। तो वो उसमें डॉग की गलती नहीं है, उसमें तो ओनर की गलती है। अगर आप सोशलाइज अच्छे से करोगे देन देयर इज़ नेवर प्रॉब्लम। सर, जैसे कहा ओनर की गलती है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एज अ पेट या किसी को ले आते हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों को शौक होता है कि हम पिटबुल ले लें या ले लें सिर्फ एक कहते हैं, कुछ लोग तो आजकल दिखावे के लिए भी ले लेते हैं कि इसने ले लिया तो हम भी ले लेते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि उस एक पर्टिकुलर ब्रीड को ट्रीट कैसे करना है। जैसे कि काफ़ी लोग जैसे कि जो छोटे होते हैं हम उनके साथ खेलते रहते हैं ये कर, पर पिटबुल जैसे डॉग्स हो गए तो उनके साथ अगर हम वैसा खेलेंगे तो शायद वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो ओनर्स को किन किन चीज़ों की वो रखनी चाहिए कि हाँ सेफ्टी रखनी चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी जो ब्रीड है वो अग्रेसिव ना हो? पहली तो एज ए सेड कि कोई ब्रीड अग्रेसिव नहीं होती, पिटबुल भी बहुत फ्रेंडली डॉग्स होते हैं, उनको वैसे बनाया जाता है। इसमें ये है कि इसमें ना जो आदमी डॉग खरीद रहा है, इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू बाय अ डॉग और अडॉप्ट अ डॉग, उसको अपने R&D खरीदने से पहले या लेने से पहले बहुत ज़रूरी है करना। मैं इस पूरी लाइन में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी अगर आप प्योर ब्रीड लेते हो, लार्ज ब्रीड या स्ट्रॉन्ग ब्रीड, तो ऑलवेज बाय फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रीडर। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई पिटबुल लेने गए हो या रॉटवाइलर लेने गए हो, आप जो लोकल लोग होते हैं ब्रीडर्स जो पेट शॉप वाले होते हैं वो एक रॉटवाइलर का बोलेंगे हम आपको जी 10,000 में आपको रॉटवाइलर दे देंगे, और अच्छे किसी रेप्यूटेड ब्रीडर के पास जाते हो आप वो बोलेगा जी 1,00,000 रुपये का। तो जो बायर होता है वो ये समझता है कि यार मैं 1,00,000 का क्या बेवकूफ़ बना रहा है, मैं तो 10,000 वाला खरीदूँगा। फिर जब वो 10,000 का खरीदता है तो वहीं से सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ना तो थोरोब्रेड डॉग्स होते हैं ना वो प्रॉपर सोशलाइज हो। उन्होंने क्या करना होता है, जिन्होंने 10,000 का डॉग बेचना है वो किसी से 7,000-8,000 के उठाते हैं, 2,000-3,000 के प्रॉफिट में आपको अपना डॉग दे देते हैं, तो वहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इट इज़ द ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू। अगर आपको लगता है कि आप
इतना नहीं एक्सपेंसिव अफोर्ड कर सकते, लेकिन आपको ख़रीदना ही रॉटवाइलर ही है, आई विल नॉट एडवाइज दैट, क्योंकि फिर डॉग उससे बेटर है कि डॉग खरीदो ही नहीं, लो ही नहीं। सर जैसा कि हमने आपने पहले कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि आप पेट जो मतलब स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके बारे में भी अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि उनको भी एज आप पेट रखें, अगर आपको सिर्फ शौक के लिए रखना है या फिर कह सकते हैं कि आपके घर के लिए रखना है, तो सर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके अंदर आपने इस बोला ट्रेनिंग की उनको भी नीड होती है, तो अगर हम स्ट्रीट डॉग को बचपन से ही वैसे ही ट्रेनिंग दें तो क्या वो भी एक अच्छे ब्रीड डॉग में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं देखो, प्योर ब्रीड में नहीं कन्वर्ट हो सकते, स्ट्रीट डॉग विल रिमेन अ स्ट्रीट डॉग, इनमें ना कोई मॉडिफिकेशन है, जैसे गोल्डन रिट्रीवर का बच्चा गोल्डन रिट्रीवर की तरह ही लगेगा, ठीक है, उनका एक स्टैंडर्ड है, कोट होएगा ये गोल्डन होएगा ये रॉटवेलर रॉटवेलर, स्ट्रीट डॉग में ऐसा नहीं है, स्ट्रीट डॉग में ऐसा है कि आज थोड़ा सा बड़ा है कल को वाइट हो गया तो तीसरी जनरेशन ब्लैक हो गई, बिकॉज उसमें हमने कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं रखा, ये तो नेचुरल सिलेक्शन से है कैसे इधर उधर मेट हो जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है। सर जैसे कि कहते हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी शायद काफ़ी बेटर होती है जो ब्रीड डॉग्स होते हैं उनसे, तो इस बात में कितनी है कि ये मतलब ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रीट डॉग्स है कुछ भी खाते हैं या मतलब हर सीज़न को सहन कर लेते हैं, पर ब्रीड डॉग्स शायद उस तरह से नहीं कर पाते, तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? आई डोंट अग्री टू दिस चीज़। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप इसी स्ट्रीट डॉग को आप रशिया ले जाओगे जहाँ पे -50 डिग्री 25-30 डिग्रीज होता है तो शायद ये उधर जाते ही ना सर्वाइव करें, मर जाए ठंड से, क्योंकि उन्होंने इतनी कभी ठंडी नहीं देखी, और वही रॉटवाइलर जो -35 में रहते हैं वो इधर आके अडॉप्ट कर जाते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये अडेप्टेशन का होता है, ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कंपेरेटिवली उन ब्रीडों से हमारी ये ब्रीड, अब आपको क्या पता कि स्ट्रीट पे कितने डॉग बीमारियों से मरते हैं, इसका हमारे पास डाटा ही नहीं, और कैसी कैसी बीमारियां होती हैं वो भी मर जाते हैं बीमारियों से, तो इट्स नॉट, हाँ बट ये है कि जो सर्वाइव कर गया वो ठीक है, पर वो तो प्योर ब्रीड में भी आप यहाँ पे देखो 14th डॉग शो है, आप आइए देखिए कितने सारे प्योर ब्रीड्स हैं, सब 99.9% इम्पोर्टेड है, सारे बाहर की ब्रीड है और सर्वाइव कर रहे हैं, और सर्वाइव ऐसे नहीं कि वो बाहर से इम्पोर्ट हुए हैं, इम्पोर्ट होके 10-10 जनरेशन मतलब 10-10 15-15 साल उनकी आगे प्रोजेनीज है और वो सब ठीक है। सर अब ये तो बात हुई कि डॉग्स और ब्रीड्स के बारे में, अब ये जो आप पेट शो करवा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस हिसाब से करवाया जाएगा, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं इसके अंदर, किस लेवल पे आप उनको जज करेंगे कि ये बेटर है इससे? देखिए जी, ये जो काम होता है ये KCI लाइसेंस जज का होता है, इसमें आपके जो जज अथॉरिटी हैं, जज वो बनते कैसे हैं पहले तो मैं बताऊँ, उनको 5-7 सालों की पढ़ाई होती है, फिर एग्जामिनेशन होते हैं, फिर पास होते हैं, इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि डॉग जंप कर रहा है या स्मेल कर रहा है, नो, इसमें बहुत सारे डॉग्स एक ही ब्रीड के, फॉर एग्जांपल अगर जर्मन शेपर्ड हैं एक ही रिंग में 15-20 जर्मन शेपर्ड जाएंगे और जज उसको इवेल्यूएट करेगा चला के, थोड़ा मूवमेंट करा के कि अच्छा इसका हेड अच्छा है, इसका टॉप लाइन अच्छा है, इसका कोट अच्छा है, इसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है, इतने सारों में से ये विनर है, ऐसा ठीक है। और सर इसमें गेम्स वगैरह का कोई भी नहीं है डॉग्स के लिए? जो पेट हॉस्पिटल है जी वेटनरी, इन्होंने इनवाइट किया ITVP को, ये एक अपना डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं कोई वर्किंग का, उनका शायद एक स्पोर्ट्स आपको देखने को मिले, बट उसके अलावा इट्स गोना बी अ ब्रीड शो। सर आपने जैसे जज की बात की कि बहुत होता है, तो इसके लिए आपने कहाँ से जज को इनवाइट किए हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है या किस चीज़ के लिए वो पॉपुलर है उसके बारे में थोड़ा बताइए? ये जो जजेस होते हैं जी KCI लाइसेंस जजेस होते हैं, केनल क्लब ऑफ इंडिया के 89 क्लब्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, कन्याकुमारी से जम्मू तक लेके एवरीवेयर, तो इनको जैसे कि मुझे शौक है, इन जज को भी पेट्स का शौक है, तो अब उनका शौक भी पैशन में बदल गया, फिर इनको ये इंटरनेशनल जजेस हैं, सिर्फ इंडिया नहीं आउट ऑफ द कंट्री भी जजेस करने जाते हैं, इनका ऐसा है कि अपना ये ऑल ब्रीड जजेस होते हैं, स्पेसिफिक ब्रीड जजेस होते हैं, बट जो हमारे पास आ रहे हैं ऑल ब्रीड जज हैं, ये सारी ब्रीड्स को जज करते हैं, इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने अपने एग्जामिनेशन वगैरह सारे पास किए। सर लास्ट में आप थोड़ा सा कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो कि इस शो में आए या क्या चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट करेगी या किस वजह से उन्हें ये शो देखना चाहिए? देखिए इट्स गोना बी एक्साइटिंग, बहुत सारे ब्रीड्स आएंगे और काफ़ी लोग आएंगे, अगर तो आप रेड लवर हो या अगर नहीं हो, समझना चाहते हो पेट्स के बारे में या आपके फ्यूचर में अगर आपका कोई प्लान है, तो मेरे हिसाब से डॉग शो विज़िट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आप समझोगे कि क्या क्वालिटी होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अच्छे ब्रीडर से लेना चाहिए, जो अच्छा ब्रीडर होता है जो वो ब्रीड करके शो करता है अपना डॉग और वो जज उसको इवेल्यूएट करता है, ऐसे इन डॉग्स की कीमत बढ़ना स्टार्ट हो जाती है।
बट वो है, अगर आप अच्छे ब्रीडर से लोगे वो आपको समझाएगा भी, हेल्थ भी, सोशलाइजेशन भी, सोसाइटी में कैसे डॉग रखना है, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सिकंदर सिंह, जिन्होंने बताया कि कैसे डॉग्स को पाला जाता है, कैसे उनकी देखभाल की जाती है और कैसे उनका एग्रेशन कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश के साथ, कैमरामैन मनीष के साथ स्माइल चौधरी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।